हेलो क्लास फर्स्ट, आज हम सीखेंगे उ की मात्रा। ठीक है, अब तक हमने अ आ ई ई की मात्राओं का अध्ययन कर लिया। अब आगे हम बढ़ेंगे तो हमारी आएगी उ की मात्रा। तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये है उ और ये इसकी मात्रा है। उ की मात्रा के शब्द पढ़िए और लिखिए। पहले हम उ की मात्रा को लिखना सीखेंगे। अब जैसे अब हमने यहाँ लिखा क, क है, इस पे कोई मात्रा नहीं है। अगर इस पर हम उ की मात्रा लगाएंगे तो ये हो जाएगा कु। हमें लिखना है कुल, तो कु हो गया। अब हमें क्या लिखना है, ल, तो ये आपका क्या बन गया, कु ल। उ की मात्रा हमेशा अक्षरों के नीचे लगती है ना। अब हमें जैसे लिखना है सुर, है ना, तो कैसे लिखेंगे, पहले हम लिखेंगे स, क्योंकि तो सु बोला है हमने, फिर हम उ की मात्रा लगाएंगे क्योंकि सु आ रहा है। र, र, र पे कोई मात्रा नहीं है, अ का स्वर आ रहा है ना, इसलिए र, सुर। ओके, नेक्स्ट हम है सुख, सु, सु है ना, ख, सुख, डन। अब आप और भी वर्ड्स हैं बहुत सारे, झूला है ना, झूला नहीं झूला, जो हम झुलाते हैं किसी को, तो झूला, झूला। अब हमें लिखना है पुल, तो पु पहले हम लिखेंगे प, अब लगाएंगे हम उ की मात्रा, ये हो गया पु ल। ल लिखना है तो हमें इस तरीके से लिखना है, ला पे कोई मात्रा नहीं आएगी क्योंकि इसमें अ का स्वर आ रहा है ना। अब झुक, तो ये हो गया झु, झ के नीचे उ की मात्रा लगाई तो क, ये हो गया आपका क, झुक, है ना। अब हम लिखेंगे सुन, स लिखा, स लिखा, अब स के नीचे उ की मात्रा, ये हो गया सु। अब हमें लिखना है सु र, तो र यहाँ लिख देंगे हम र, सु र। सुर बेटा हमारा ऊपर हो चुका है, इसे हम सुन कर देते हैं, सु न, है ना। अब लिखेंगे हम बु न, तो ब, ब के नीचे उ की मात्रा, ये हो गया बु न, न के ना लिखेंगे, ना पे कोई मात्रा नहीं आएगी, इसमें अ का स्वर है, बुन। अब हम लिखेंगे, अब हम लिखेंगे धु न, धु, ध से धनुष। अब हम लगाएंगे उ की मात्रा धु, अब हमें लिखना है धु न, तो यहाँ आ जाएगा आपका न, धु न। आगे है आपका रुक, अब हमें लिखना है रुक। देखो बेटा, ये लिखा हमने र, उ की मात्रा जो होती है कभी भी र के नीचे नहीं आती, र के पीछे आती है ना, तो रु क, ये हो गया, ये आपके उ की मात्रा के 10 शब्द हैं। ये आपको अपनी नोटबुक में गुड हैंडराइटिंग में लिखने हैं, ये आपका होमवर्क है किड्स। ओके, बाय किड्स।